नमस्कार दोस्तों, टैग हिंदी में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं अंकुर सतवारा। तो आज के वीडियो में मैं आपको विंडोज़ 8, 8.1 या विंडोज़ 10 की आईएसओ फाइल कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो दिखाऊंगा, ताकि उस आईएसओ फाइल से आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकें और अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करके उसमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सके। मैंने एक अगले वीडियो में बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं वो दिखाया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी चेक कर लीजिए, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप बूटेबल पेन ड्राइव से अपना कंप्यूटर कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं उसकी पूरी डिटेल्स भी मैंने एक वीडियो में बताई है, तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी उस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है, और ये वीडियो मैं कुछ यूज़र्स की रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ। तो मैं यूज़र्स को कहना चाहूँगा कि ये वीडियो अगर आपको हेल्प करे और लगे कि ये चैनल में आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक वीडियो आते हैं, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं कहना चाहूँगा दिल से कि आप ऐसे ही रिक्वेस्ट डालते रहिए अलग अलग वीडियो के टॉपिक पर, और आप जो भी चाहेंगे उस पर मैं वीडियो श्योर बनाऊँगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने ब्राउज़र में जाके विंडोज़ 10 90 डे ट्रायल ऐसा लिखकर एंटर करके गूगल सर्च करना है। गूगल सर्च में जो पहली लिंक आएगी विंडोज़ 10 एंटरप्राइज टेकनेट एवोल्यूशन सेंटर, उस पर आपको क्लिक करना है। और इस वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन करना है, उसके सिवा आप आईएसओ फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो क्रिएट कर दीजिए और यहाँ पे साइन इन हो जाए। मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से यहाँ पे साइन इन हो रहा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि विंडोज़ 10 की आईएसओ फाइल आपको डाउनलोड करने के लिए फिर से रजिस्टर टू कंटिन्यू का बटन दिखा रहा है, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म फिल करने का आ जाएगा, और इस फॉर्म को फिल करने से आप माइक्रोसॉफ्ट को ये दिखा रहे हैं कि आप एक टेक्निकल पर्सन हैं और विंडोज़ 10 की टेस्टिंग के लिए आप उनसे आईएसओ फाइल मांग रहे हैं। तो यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, कंट्री, वो सारी डिटेल्स भर दीजिए, और यहाँ पे नीचे आप कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी करेंटली यूज़ कर रहे हैं उसे बता दीजिए, और नीचे स्क्रॉल करके आप कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे विंडोज़ 10 एंटरप्राइज, उस पर क्लिक कर दीजिए। वो सारी डिटेल्स भर जाने के बाद नीचे जो कंटिन्यू का ग्रीन बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन आएगी उसमें आपको पूछ रहा है कि आप विंडोज़ 10 का 32 बिट वर्ज़न या फिर 64 बिट वर्ज़न डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम 64 बिट वर्ज़न डाउनलोड करते हैं, तो उसे सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन में आपको पूछ रहा है कि आप विंडोज़ 10 की आईएसओ फाइल कौन सी लैंग्वेज में डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो इंग्लिश सिलेक्ट करके फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आपकी डायरेक्ट डाउनलोड लिंक जनरेट हो जाएगी विंडोज़ 10 की आईएसओ फाइल डाउनलोड करने के लिए। और उसी तरह से आप विंडोज़ 8.1 की एंटरप्राइज आईएसओ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे विंडोज़ 8 की भी एंटरप्राइज आईएसओ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड में आप देख सकते हैं कि विंडोज़ 10 अभी डाउनलोड हो रहा है, जिसकी साइज़ है 3.6 GB। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपनी पसंदगी की ऑपरेटिंग सिस्टम की आईएसओ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो आईएसओ फाइल डाउनलोड करने की रीत दिखाई है वो 100% लीगल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। और हमारा अगला वीडियो है विंडोज़ 10 फॉर्मेटिंग के बारे में, तो उसके लिए चैनल से बने रहिए। और मैं अंकुश सतवार आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।